हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रहा हूँ गाइस ब्लॉग, क्योंकि आज जो वीडियो रहने वाला है वो सारा नेपाली में रहने वाला है। गाइस आज जो है तीज है, नेपाल का स्पेशल त्यौहार, और जो ये त्यौहार है स्पेशल जो महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज के दिन सँवरते हैं, नए नए गहने, नए नए साड़ी, नए नए कपड़ा लगाते हैं। गाइस जो है तीज जो है जो चालू हो चुका है गाइस, और जो इस महीने जो 18 तारीख को है, पर यहाँ पे जो है तीज का जो है प्रोग्राम हो रहा है। संगीत जो कलाकार हैं, जो मेरे पत्नी हैं उनके बड़े भाई आने वाले हैं, जो कि सिंगर हैं, जो वहाँ पे सिंगिंग करेंगे गाइस। जो आज करें जो वीडियो है जो मैं बनाने वाला हूँ गाइस, जो बनाने वाला हूँ गाइस, वो सारा नेपाली में होगा गाइस। चलो गाइस आपको मैं आपके दिखाता हूँ आगे वीडियो, कैसे कैसे मनाते हैं गाइस, कैसे कैसे कलाकार आते हैं। तो मिलते हैं गाइस फिर ब्लॉग में। अलग पी कार्यक्रम स्टार्ट होगा, यहाँ सामने मुक्ति स्टेज छह हेमन्त सुनार लगायतका टिमहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कविता गाउँमा छँदा पनि हरेक सामाजिकमा परिवर्तन हुने व्यक्तित्व आज छ, यो सबै आफन्तजनहरू छ। यो तपाईँ हाम्रो कुनै कलाकार, कुनै आयोजक, कुनै दर्शकको भेट नभएर यो एउटा
किनकि हामी परदेशमा रहेर पनि हाम्रो संस्कारलाई हाम्रो संस्कृतिलाई हामी माया गर्ने जुन एउटा हिसाबले उपस्थित भएका छौँ मलाई लाग्छ त्यहाँनिर सबैजना हामी तपाईँ घरभित्रकै मान्छे हो यहाँ कोही चाहिँ यहाँ नाम लिँदै गर्दा आफ्नो अथवा चाहिँ भोकै गर्दै गर्दा आफ्नो अथवा केही नगर्दा पढाइ भन्ने होइन हामीसँग कलकत्ता गर्नु आउनु भएको छ हाम्रो रमाइलो सबैको तिजको जो प्रोग्राम थियो गाइज नामसित गयो नामसित भयो होइन सबै व्यवस्था चाहिँ ठिकै थियो राम्रो लाग्यो अनि खुसी लाग्यो राम्रो तिजको प्रोग्राम भयो गाइज नेक्स्ट वर्ष पनि यस्तै राम्रो होस् अनि योभन्दा पनि दामी होस् अनि धेरै मान्छे आउनु लेकिन योपालि अलिकति मान्छे कमै थियो होइन गाइज लेकिन नेक्स्ट टाइममा योभन्दा पनि बढी होस् यो भन्न चाहन्छु म सबैलाई होइन योपालि अलिकति कम भयो थियो अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो भनिदिनु होला कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस अब हजुर अब म आफ्नो जो सर घर साथीहरू तिनलाई पनि भन्छु गाइस त कसो लाग्यो गाइस आपको यो भिडियो जो तिजका जो नेपाली तिज है गाइस ये कसो लगा यहाँ जस्तो कि आपको कसो लगा अच्छा भिडियो लगा तो गाइस कमेन्ट कर दिजिएगा और सब्सक्राइब कर दिजिए और लाइक भी कर दिजिए गाइस और ये नेपाल का जो है स्पेशल त्यौहार है इसे बोलते हैं तीज जो भी ये भी अभी राजकोट में होने वाला है सूरत में होने वाला है और नेपाल में 18 तारीख को हो जाएगा गाइस तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आज के लिए इतना ही बाय।